इन्फ्लिपनेट इसका फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव वगैरह देख लेंगे। और प्रोग्राम ऑफ UGC इंडिया का है, ठीक है, UGC के द्वारा इसको बनाया गया था। इन्फ्लिपनेट नाम से इसके पता चल रहा है कि एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है इन्फ्लिपनेट, और भारत का बना हुआ है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए इसके बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वॉल्व नेशनल नेटवर्क, नेशनल नेटवर्क बनाना चाहते थे, रिलायबल एक्सेस से पाना चाहते थे, और बिब्लियोग्राफी और फैक्चुरल डेटाबेस बनाना चाहते थे, गेटवे ऑनलाइन एक्सेसिंग बनाना चाहते थे, एक गेटवे हो ऑनलाइन चीज़ों को पाने के लिए, DDS सर्विस को अपनाने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कुछ ढेर सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं इन्फ्लिपनेट के? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस वो सबके लिए, ठीक है, सारी लाइब्रेरीज़ के लिए। रिसोर्सेज एंड सर्विसेज कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज और सर्विसेज इसके जो हों किस तरह से हों? सबसे पहले इन्फ्लिपनेट जो है वो एक यूनियन कैटलॉग बनाता है, ठीक है, और ये एक्सेस प्रोवाइड करता है जियोग्राफिक बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए, और एक इंफॉर्मेशन सोर्स भारत के लैंग्वेज में बनाता है, कैटलॉगिंग को शेयर करता है, LL को प्रमोट करता है, डेटाबेस को बनाता है, और इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रमोट करता है, लोगों को ट्रेन करता है। तो ये कुछ इसके रिसोर्सेज हैं। एक्टिविटीज़ ये कुछ करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है, जैसे सोल इसने बनाया था, नेटवर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ करता है, डेवलपिंग डेटाबेस बनाता है ये, और बुक्स का डेटाबेस, सीरियल का डेटाबेस, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज़ में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट्स ऑफ द इन्फ्लिपनेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके सर्विसेज क्या क्या हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे ज़्यादा चला गया क्या नीचे? जी कहाँ चले गए? सर्विसेज ही आ गए। DDS डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज कई बार पूछा जा चुका है, सबको पता है। बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये देता है, और कैटलॉगिंग बेस्ड सर्विसेज भी ये देता है, और कलेक्शन डेवलपमेंट, की ये सर्विस देता है, कम्युनिकेशन बेस्ड सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। इन्फ्लिपनेट की रिसोर्सेज क्या क्या हैं? यूनिवर्सिटी कैटलॉग वगैरह हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लिपनेट फॉर रिसोर्स शेयरिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं रिसोर्स शेयरिंग में उसको हम देख लेते हैं। इम्प्लीकेशंस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, इम्प्लीकेशंस कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये क्रिएटिंग अवेयरनेस करता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नेटवर्क इसने बना रखा है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बना रखा है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में काम करता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं इसकी इन्फ्लिपनेट की, ठीक है। सो आई होप मैंने थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ बिकॉज ऑफ लेस टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।